हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो इक्वी डिस्टेंस होती हैं, उन्हें कितना भी ज़्यादा दोनों साइड में एक्सटेंड किया जाए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचना है। नाम दे सकते हैं हम इस लाइन का, ये नाम दे दिया है हमने ए और बी। इसके पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये पॉइंट मार्क कर देती हूँ सी, और इस लाइन पर भी एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, वो कर लेते हैं चलिए डी। अब इस सी और डी पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं। तो ये लाइन खींच ली हमने। अब हमें कोई भी रेडियस, आप कन्वीनियंट रेडियस लेकर डी को सेंटर मानकर डी पर रखेंगे कंपास को, ठीक है, और एक आर्क इस तरह से खींच देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी आपको ए बी लाइन को भी इंटरसेक्ट करेगी, और आपकी जो आपने सी डी लाइन ड्रॉ की है इसको भी इंटरसेक्ट करेगी। नाम भी हम दे सकते हैं इसका, ठीक है, नाम दे देते हैं। और ये नाम मान लो मैंने दे दिया इधर P और इधर Q। अब इस रेडियस को हमें चेंज नहीं करना है, और इस सेम रेडियस को लेकर हम C को सेंटर मानकर C पर रखेंगे। C को सेंटर मानकर एक और हम इस तरह से आर्क खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ये आपने आर्क खींची। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप P और Q, ये जो आपका P और Q, एक पॉइंट आप Q पर रखेंगे और P को इसको एडजस्ट करके इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे इस तरह से। ये डिस्टेंस आपकी मेजर हो गई, बिल्कुल सेम आपको क्या करना है कि इसी को इसी तरह से लेके यहाँ से आपको इधर की डिस्टेंस भी आपको मेजर करनी है, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मेजर करेंगे और एक आर्क से इसको कट कर देंगे। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको मान लीजिए हमने यहां इंटरसेक्ट जो किया है, पी क्यू आर दे देते हैं नाम, इसको नाम दे देते हैं एस। अब हमें एस और टी को ज्वाइन करना है, तो S और T को ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल सीधा रखना है आपने, ठीक है, और इस तरह से इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को C से आपको ज्वाइन कर लेना है, और इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अब ये जो लाइन बनी है हमारी, मान लीजिए ये एम एन लाइन हम दे देते हैं इसको नाम, एम एन लाइन है ये जो बनी है, वो A और B के पैरेलल होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने ये एंगल, जो एंगल ये वाला एंगल हमने इस एंगल के इक्वल बना लिया है, और ये क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो इस मेथड के थ्रू हमने क्या किया है, करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बनाया है और लाइन पैरेलल हमारी बन गई है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम एक साथ लिखेंगे, अभी एक दूसरी मेथड से भी देख लेते हैं जिसमें कि हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल बनाएंगे। तो सेकंड मेथड हम देखते हैं, करना आपको वही है, सेम चीज आपको करनी है, एक पॉइंट मार्क करना है यहाँ पर। ये मान लीजिए हमने लाइन अगर ए और बी रखी है, पॉइंट मार्क कर देते हैं सी, और एक ई बी पर भी पॉइंट मार्क करते हैं, दैट इज डी, ठीक है। अब इनको आप एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आपको वही करना है, एक कन्वीनियंट रेडियस लेना है और डी को सेंटर मानकर आपको एक आर्क खींचनी है इस तरह से, और ये आपकी आर्क आ गई, ठीक है, एडजस्ट कर लेना है कंपास को ठीक से, इस तरह से आर्क हो गई। अब हम मान लेते हैं कि ये
सी डी ई एफ नाम दे देते हैं इधर, ई और एफ, ठीक है, इस तरह से बन गई। अब हम चाहते हैं अल्टरनेट एंगल इक्वल बनाना, तो अल्टरनेट एंगल तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एक इस साइड में होगा, दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में होगा, तो अब हमें इस साइड ना बना के इस साइड एंगल को आपको इक्वल बनाना है। तो अब सी पर हम रखेंगे विथ द सेम रेडियस जो हमने लिया है, और इस तरह से इस साइड ना करके हम अपोजिट साइड में आ देते हैं, ओके। अब ये जो बन गया हमारा आर्क, उसको हमें क्या करना है, वही जो आपने पहले किया था वही करना है कि ई और एफ की डिस्टेंस को मेजर कर लेना है। एक पॉइंट ई पे रखना है और ये इस तरह से कंपास से आपको मेजर करना है, देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इस तरह से आपको इसकी डिस्टेंस को मेजर करना है, और फिर इसको लेकर आपको क्या करना है, यहाँ इस जगह पे जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ई एफ हो गया, इसको नाम हम जी दे देते हैं, जी से आपको उस डिस्टेंस को मेजर करना है, तो जी से लेके मेजर करके और आपको यहाँ पर एक कट लगा देना है इस तरह से, ठीक है। अब आपको मान लो जी और इसको हम एच नाम दे देते हैं, यहाँ एच, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हमें इससे ज्वाइन करना है, सी से, सी से ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, देखिए खींच गई ये लाइन, तो ये जो लाइन होगी मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम एम एन, एम एन लाइन है, तो ये जो लाइन है ए बी लाइन अब एम एन के पैरेलल बन गई है, और इसमें कौन से एंगल हमने इक्वल बनाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब ये और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल, तो इस मेथड से हमने अल्टरनेट एंगल इक्वल बनाए और लाइंस को पैरेलल बना लिया, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक और मेथड देख लेते हैं जिसमें हमें एक गिवन डिस्टेंस पर बनाना है, उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है पैरेलल लाइंस का एट अ गिवन डिस्टेंस तो किस तरह से किया जाएगा। सपोज हमें 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, और ये हमारी लाइन दी हुई है दैट इज ए बी, ठीक है, ए बी मार्क कर लेते हैं इसको, और इसके आपको पैरेलल लाइन बना दी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक पॉइंट मार्क कर लेंगे इस लाइन पर, मान लीजिए पॉइंट हमने मार्क कर लिया सी। अब सी पर आप कोई भी रेडियस लेकर, कन्वीनियंट रेडियस लेकर आप यहाँ पर एक कट लगाएंगे ऑन द लेफ्ट साइड और फिर एक राइट साइड, ठीक है, क्योंकि हमें इसका परपेंडिकुलर बनाना है। तो अब ये कट लग गया, इसके बाद मान लीजिए कि ये कट जो लगा है वो आपका ई और F पर लगा है, E और F पर, तो अब पहले हम क्या करेंगे, F से लेंगे और रेडियस हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें इंटरसेक्ट करना है दोनों आर्क को, तो हम इस तरह से इसको थोड़ा इंक्रीज करके पहले F को सेंटर मानकर एक आर्क इस तरह से बनाएंगे, फिर हम E को सेंटर मानकर एक आर्क इस तरह से इसको जो इंटरसेक्ट करेगी वो बनाएंगे। हम मान लीजिए कि इंटरसेक्ट कर रही है हमारी डी पॉइंट पर, तो अब हम क्या करेंगे, ये आपका सी और डी पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह ये आपने ज्वाइन कर लिया। अब ये जो बन गया है, ये बन गया है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब हमें देखना है 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन बनानी है, तो हम ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इस तरह से कंपास से मेज़र करेंगे 4 सेंटीमीटर, और फिर सी से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक कट लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, इसको भी एक नाम दे देते हैं, ई एफ जी दे देते हैं, चलिए जी दे दिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद जी पर भी हम एक कन्वीनियंट रेडियस रखकर जी को सेंटर मानकर क्या करना है, आपको एक कट इस तरह से लेफ्ट साइड में इसके लगाना है और एक हमें इसके राइट साइड में लगाना है। आप टर्न कर सकते हो अपनी नोटबुक को,
अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जिससे कि आप आसानी से कट लगा सको। तो इस तरह से मैंने एक ऊपर की तरफ लगा दिया, एक नीचे की तरफ लगा दिया। एक्चुअली हमें बनाना है इस जी पॉइंट पर परपेंडिकुलर। तो अब हम कोई भी रेडियस लेके, कन्वीनियंट रेडियस लेके, इसको पहले नाम देने पड़ेंगे। जी हो गया, अब एच एम दे देते हैं, चलिए एम, और ये इधर दे देते हैं एन। अब एक बार एन से हम यहाँ पर कट लगाएंगे इस तरह से, और एक बार हम लगाएंगे एम से इस तरह से। अब ये इंटरसेक्ट हो गया है ना, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए पी दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जी और पी को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। अब ये जो लाइन बन गई है, मान लो आपकी आर एस लाइन बन गई है, ये जो लाइन है आर एस लाइन जो होगी वो आपकी ए बी लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर बनाया, और ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी 4 सेंटीमीटर की। तो 4 सेंटीमीटर पर की डिस्टेंस पर हमने एक और पैरेलल लाइन बना दी। अब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो किस तरह से लिखेंगे, तो देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो जो आप करते जा रहे हो वो लिखते जाना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, ड्रॉ लाइन, जो भी नाम देना है। सबसे पहले आपने एक लाइन बनाई, ठीक है, जो भी नाम आपने दिया है वो आप लिख देंगे, ए बी सी डी वॉट एवर नेम यू आर गिविंग, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, फिर क्या किया, अगर आपको डिस्टेंस नहीं दी है तो मार्क अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, जो भी लाइन आपने बनाई है उसके बाहर आपको एक मार्क पॉइंट करना है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, मार्क अनदर पॉइंट ऑन द लाइन, दूसरा आपको लाइन पर। फिर क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में आपको जॉइन बोथ द पॉइंट्स बाय ड्राइंग अ लाइन। अब क्या करना है, मेक करस्पॉन्डिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल। आपके पास ऑप्शन है कि अल्टरनेट एंगल आप इक्वल बना रहे हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बना रहे हैं, क्योंकि ये एंगल्स अगर आप इक्वल बना देंगे तो आपकी लाइंस भी पैरेलल बन जाएंगी, ठीक है। जब एंगल्स इक्वल बन जाएंगे देन लाइंस विल बी पैरेलल। अब अगर आपको गिवन डिस्टेंस दी है, गिवन डिस्टेंस दी है तो आपको क्या करना है, कैसे लिखना है पॉइंट गिवन डिस्टेंस पे है, मेक अ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, लाइन पर परपेंडिकुलर बनाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको मेक अनदर परपेंडिकुलर एट द गिवन डिस्टेंस ठीक है,
ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। इस तरह से जो भी आप करते जाएंगे वो आप लिखते जाएंगे। इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन क्या है और आपने क्या नाम दिए हैं, उन नाम के अकॉर्डिंग आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं।